नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि वेस्टर्न लाइन पर स्थित है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 6.62 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का स्टेशन कोड BCT है। दोस्तों प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 9 है। इसमें 5 प्लेटफॉर्म आउटसाइड ट्रेनों के लिए है, यानी जो ट्रेनें मुंबई से बाहर जाती है, और 4 प्लेटफॉर्म लोकल ट्रेनों के लिए, यानी जो ट्रेनें मुंबई में ही चलती है। दोस्तों वहीं यहाँ पर नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेनों की बात करें, यानी जो ट्रेनें यहाँ से पास होकर गुजरती है और यहाँ पर रुकती है, उनकी संख्या 0 है, और जो ट्रेनें यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करती है उनकी संख्या 28 है, और जो ट्रेनें यहाँ पर अपनी जर्नी का अंत करती है उनकी संख्या भी 28 ही है। दोस्तों ये डाटा मैं आपको बाहर वाली ट्रेनों का बता रहा हूँ जो मुंबई से बाहर जाती है, इसमें मैं लोकल ट्रेनों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहर जैसे अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई इत्यादि से सीधा कनेक्टेड है और देश के बड़े राज्यों से भी सीधा कनेक्टेड है। दोस्तों यहां से अपनी जर्नी की शुरुआत और अपनी जर्नी का अंत करने वाली ट्रेनों में शामिल है गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस, सौराष्ट्र एक्सप्रेस, मुंबई अहमदाबाद AC डबल डेकर एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली AC सुपर फास्ट स्पेशल, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, फ्लाइंग रानी, गोल्डन टेंपल मेल, मुंबई सेंट्रल जयपुर AC दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली AC दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल राजकोट AC दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों यहां से कई राजधानी एवं कई दुरंतो अपनी जर्नी की शुरुआत और अपनी जर्नी का अंत भी करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो यह रेलवे स्टेशन 18 दिसंबर 1930 में खोला गया और अब यह स्टेशन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड भी है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में भी आता है और यहाँ पर प्रतिदिन 3 लाख से भी अधिक यात्री आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना मुंबई सेंट्रल के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन इस स्टेशन के बारे में अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।